तो हेलो दोस्तों, फैंटेसी इनसाइट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले ड्रीम इलेवन के ग्रैंड लीग और मेगा लीग को आप कैसे क्रैक कर सकते हो 10 से 15 दिनों के अंदर। क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अपने ड्रीम इलेवन के कॉन्टेस्ट में 10 से 12 दिन अप्लाई करते हो तो आप ग्रैंड लीग में 1 से 5 रैंक के अंदर आ सकते हो। हाँ गाइस, सिर्फ 10 से 15 दिन ही आपको खेलना है, और ऐसा नहीं है कि आपको 15 या फिर 20 टीम क्रिएट करना है, आपको सिर्फ 2 टीम क्रिएट करना है। और उस 2 टीम के साथ ही अगर आप खेलते हो कंसिस्टेंसी के साथ तो आप 10 से 12 दिन के अंदर टॉप पर आ सकते हो। क्या है वो स्ट्रेटजी, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को समझाने के लिए निकल के रखा है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से इसको इंप्लीमेंट कर पाओ अपने ग्रैंड लीग के टीम में। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लेना। क्योंकि टेलीग्राम पर मैं अपने ड्रीम इलेवन टीम आप लोगों के साथ शेयर करता, सो मेक श्योर कि आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो जरूर कीजिए। सबसे पहले एक मैच का स्कोर कार्ड मैं आप लोगों के साथ शेयर देता हूं। ये जो मैच है ये पिछले साल खेला गया T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का मैच है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, जहां पर टीम इंडिया ने पहले बैटिंग किया था, इंग्लैंड ने टॉस जीता था, टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था। मतलब टीम इंडिया ने पहले बैटिंग किया था, टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 168 रन स्कोर किया था 6 विकेट के नुकसान पर। समझना ये, पर 168 रन स्कोर किया था 6 विकेट के नुकसान पर, जिसमें हार्दिक पांड्या ने 63 रन स्कोर किया था, विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी किया था, उसके साथ रोहित शर्मा ने 27 रन स्कोर किया था। इंडिया की तरफ से ये तीन बैट्समैन जो है टॉप स्कोरर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंग्लैंड ने उस टोटल को 0 विकेट के नुकसान पर 170 रन स्कोर कर लिया था। मतलब बिना विकेट गवाए इंग्लैंड ने उस टोटल को आसानी से चेस कर लिया था। उसमें एलेक्स हेन ने 86 रन स्कोर किया था एंड जॉस बटलर ने 80 रन स्कोर किया था। मतलब दोनों ही बैट्समैन ने इस टोटल को आसानी से चेस कर लिया। और अगर बॉलर्स की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड ने एक भी विकेट नहीं गवाया है तो इंडिया का जो बॉलर्स है उन बॉलर्स ने यहाँ पर उन बॉलर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंडिया ने 6 विकेट यहाँ पर लॉस किया है, और 6 विकेट जो है इंग्लैंड के बॉलर्स ने निकाले हैं। आप देख सकते हो क्रिस जॉर्डन ने 3 विकेट यहाँ पर लिया था, उसके बाद आदिल रशीद ने 1 विकेट एंड क्रिस वोक्स ने 1 विकेट लिया था। उसके साथ साथ एक और विकेट लिया था, वो नाम मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, बट आप समझ लेना क्योंकि सारे बॉलर्स जो है इंग्लैंड के बॉलर्स ने ही विकेट लिया था, इंडिया के किसी भी बॉलर्स ने कोई भी विकेट नहीं ले पाया था। अब आप मैं आप लोगों को बताना होगा आपको टीम कैसे क्रिएट करना है ताकि आप ड्रीम इलेवन पर टॉप पर आ सकते हो। और इस तरीके का स्कोरिंग पैटर्न वाला जो मैच है वो हर 8 से 10 मैचों में एक मैच ऐसा होता ही रहता है, चाहे आप आईपीएल की बात करो और इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करो, हर 8 से 10 मैचों में ऐसे इस टाइप के मैच आपको देखने को मिलेगा अगर आप क्रिकेट देखते हो रेगुलर। तो समझ लो, मान लो ये जो टीम वन है ये है इंडिया टीम और ये इंग्लैंड का टीम है। सो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर इंडिया का जो बैटिंग है, इंडिया का बैटिंग में से आपको यहाँ पर टॉप 5 में से 3 बैट्समैन को सिलेक्ट करना है। कितने बैट्समैन को सिलेक्ट करना है, 3 बैट्समैन को सिलेक्ट करना है, और 2 ऑलराउंडर में से 1 ऑलराउंडर को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपको टीम इंडिया की तरफ से कोई भी बॉलर यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि टीम इंडिया का कोई भी बॉलर यहाँ पर एक भी विकेट नहीं चटका पाया था। सो आपको यहाँ से कोई भी बॉलर सिलेक्ट नहीं करना है। टीम इंडिया की तरफ से हम लोगों ने 4 प्लेयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। और दूसरी तरफ अगर बात करें, दूसरी तरफ इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें तो इंग्लैंड की जो बैटिंग है यहाँ से सिर्फ आपको 2 बैट्समैन को पिक करना है, 2 ओपनिंग बैट्समैन को पिक करना है, एलेक्स हेल एंड जॉस बटलर। इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एलेक्स हेल एंड जॉस बटलर ये 2 ओपनर्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और बाकी जो बैट्समैन है इनका कोई काम नहीं है क्योंकि एक भी विकेट यहाँ पर नहीं गवाया है इंग्लैंड ने। वैसे ही इंग्लैंड टोटल को चेस कर लिया है, तो यहाँ पर जो बाकी बैट्समैन है वो किसी काम का नहीं रहा, इनको आपको सिलेक्ट नहीं करना है। और यहाँ पर जो 2 ऑलराउंडर है, 2 ऑलराउंडर में से आपको 1 ऑलराउंडर सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पर 4 बॉलर में से 3 बॉलर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर 4 बॉलर्स को ही सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप ऑलराउंडर को ड्रॉप कर सकते हो। कितना हुआ ये, अगर आपने 3 बॉलर्स को सिलेक्ट कर लिया, 1 ऑलराउंडर एंड 2 बैट्समैन को सिलेक्ट कर लिया, मतलब 7 प्लेयर्स आपने इंग्लैंड टीम से सिलेक्ट कर लिया, और दूसरी तरफ से 4 प्लेयर्स आपने टीम इंडिया से सिलेक्ट कर लिया है। टीम इंडिया से आपको कोई भी बॉलर सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि टीम इंडिया का कोई भी बॉलर विकेट नहीं ले पाएगा इस फॉर्मूला का अकॉर्डिंग। सो आपको इसी फॉर्मूला को यहाँ पर इंप्लीमेंट करते जाना है, और आपको इंतजार करना है कब इस टाइप का मैच होगा। जब इस टाइप का मैच होगा और आपका आप अपने फॉर्मूला के साथ ही रहोगे तो आपके ऊपर आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सबसे पहले टीम कैसे क्रिएट करोगे आप देखोगे। मान लो ये इंग्लैंड और इंडिया का टीम है, जो ब्लू है वो इंडिया का टीम है और जो रेड है वो इंग्लैंड के प्लेयर्स है। आपको इंग्लैंड के प्लेयर्स में से विकेट कीपर में से जॉस बटलर को लेना है, ओपनिंग बैट्समैन में से एलेक्स हेल को लेना है, और वही दूसरी तरफ ऑलराउंडर में से एक इंग्लैंड के ऑलराउंडर लेना है, और इंडिया के 3 बैट्समैन एंड 1 ऑलराउंडर आपको ले लेना है, और 4 बॉलर्स आपको इंग्लैंड की टीम में से ले लेना है क्योंकि यही जो बॉलर्स है ये सारे बॉलर्स ही विकेट लेने वाला है गाइस। तो इस तरह से आपने टीम क्रिएट कर लिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी कैसे चूज करोगे। इस मैच के रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप एलेक्स हेल को कैप्टन बनाओगे एंड वाइस कैप्टन बनाओगे जॉस बटलर को, क्योंकि एलेक्स हेल ने ज्यादा रन स्कोर किया है एंड जॉस बटलर ने उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा
कम रन स्कोर किया है। बट मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप आगे जो यहाँ पर इस टाइप की टीम अगर क्रिएट कराते हो तो आप कैसे कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी चूज करोगे। सबसे पहले आपको देखना है दोनों ओपनर्स बैट्समैन में से कौन सा बैट्समैन है जो ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलता है और कौन सा बैट्समैन है जो थोड़ा सा टिक के खेलता है। हर ओपनिंग बैट्समैन में से यहाँ पर एक बैट्समैन ऐसा होता है जो थोड़ा सा टिक के खेलता है और एक बैट्समैन ऐसा होता है जो अटैकिंग मूड में खेलता है। जो अटैकिंग बैट्समैन होगा उसको आपको कैप्टन बना देना है और जो थोड़ा सा टिक के खेलता है उसको आपको वाइस कैप्टन बना देना है सिंपली। तो मान लो आपने एक को कैप्टन एंड एक को वाइस कैप्टन बना दिया, तो अगर आप इस तरह से टीम क्रिएट कराते हो और इस तरीके के स्कोरिंग पैटर्न पर वो मैच चल गया तो आपका जो ऊपर आने का चांसेस है वो 100% बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने टीम वन से यहाँ पर किसी भी बॉलर्स को सिलेक्ट नहीं किया है। तो बाकी जो लोग बॉलर्स को सिलेक्ट करेंगे वो लोग यहाँ पर पीछे रह जाएंगे और आप बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ जाओगे और आप फाइनली ग्रैंड लीग को क्रैक कर सकते हो। सो गाइस, मैंने आप लोगों को ये पूरा प्लान समझा दिया। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, ऐसे ही और ड्रीम इलेवन से ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए अगर आप विन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस और हाँ, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालते रहता हूँ। सो मेक श्योर कि आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो जरूर कीजिए।